बीजेपी ने अपने ही पार्टी के माइनॉरिटी विंग के ऑफिस बियरर को प्रिसाइडिंग अफसर बनाया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कितना बड़ा खेल हुआ, कितनी बड़ी धांधली की गई, यह वीडियो दुनिया भर ने देख लिया है कि कैसे वह चुनाव अधिकारी उस वीडियो में बैलेट पेपर के साथ टेम्परिंग करता हुआ नजर आया। अरविंद केजरीवाल ने वो वीडियो क्लिप भी शेयर किया, आप भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे उसमें वो खेल कर रहा है, वह अधिकारी कितना घबराया हुआ, उसका हाथ भी कांपता है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन बाद में यही अधिकारी मीडिया के सामने चौड़े होकर बयान देता रहा कि सारी गलती आप और कांग्रेस वालों की है, वो लोग बूथ कैप्चर करने आए थे, बैलेट पेपर कैप्चर करने आए थे। और इतना ही नहीं, जितनी भी गलतियां हैं सारे आरोप उन्होंने विपक्ष पर मढ़ दिए, वोट भी 8 उनके ही इनवैलिड कर दिए। अल्पमत में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी उस मेयर चुनाव में फिर भी जीत गई। ये सब कुछ पीठासीन अधिकारी की कृपा से संभव हो सका। और अब इस साहब के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा खुलासा यह है कि यह चुनाव अधिकारी भाजपाई माइनॉरिटी सेल का सेक्रेटरी है और एक पद पर जो बैठा हुआ बीजेपी का आदमी उसे ही इस मेयर चुनाव के नेतृत्व का काम सौंप दिया गया। चुनाव की पूरी जिम्मेदारी अनिल मसीह के हवाले, जो पीठासीन अधिकारी बनकर मेयर चुनाव करा रहे थे। अब इस संबंध में जो खुलासा हुआ है वो आम आदमी पार्टी के युवा सांसद राघव चड्ढा कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने अनिल मसीह के बारे में, यानी पीठासीन अधिकारी के बारे में बताया है, जरा आप भी यहां पर देखिए सुनिए। बीजेपी ने अपने ही पार्टी के माइनॉरिटी विंग के ऑफिस बियरर को प्रिसाइडिंग अफसर बनाया, यानी कि जो शख्स घोषित भाजपा का सदस्य है उनका ऑफिस बियरर है, पदाधिकारी है, उस माइनॉरिटी विंग के सेक्रेटरी को प्रिसाइडिंग अफसर बनाकर उसकी देखरेख में चुनाव कराने की घोषणा करी। तो देखा आपने, राघव चड्ढा यही नहीं रुके, उन्होंने इस पीठासीन अधिकारी के करतूत को भी एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे इन्होंने खेल किया। राघव चड्ढा का कहना था, अमूमन जब भी इस तरीके से काउंटिंग की प्रक्रिया होती है तो जो उम्मीदवार होते हैं उनके एजेंट वहां सामने होते हैं और आंखों के सामने काउंटिंग करवाते हैं। इस बार इन्होंने किसी को भीतर आने नहीं दिया, मीडिया को भी बाहर रखा और खुद से सब कुछ करते रहे। लेकिन उस वीडियो में इनकी हरकतें जब कैद हो गई तो सारी सच्चाई भी सामने आ गई है कि पीठासीन अधिकारी कैसे वोटों में हेर फेर, बैलेट पेपर में हेर फेर कर बैठे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं एक बार और जरा राघव चड्ढा को थोड़ा सा सुनिए। चुनाव में जब वोटिंग समाप्त हुई और काउंटिंग की बारी आई तो इस भाजपा के ऑफिस बियरर प्रिसाइडिंग अफसर ने किसी भी पार्टी के इलेक्शन एजेंट को आगे नहीं आने दिया। आप सब जानते हैं, आप सब चंडीगढ़ मेयर चुनाव देखते आए हैं, जब भी वोटों की गिनती होती है तो इलेक्शन एजेंट, तमाम पार्टियों के इलेक्शन एजेंट अपनी आंखों के सामने काउंटिंग टेबल पे खड़े होकर काउंटिंग करवाते हैं। लेकिन पहली बार इतिहास में देखा गया कि इलेक्शन एजेंट्स को दूर कर दिया गया, उन्हें टेबल के नजदीक नहीं आने दिया गया, और उसके बाद जो हुआ आपने देखा। तो देखा आपने कि किस तरीके से पीठासीन अधिकारी ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। अभी जब बैलेट पेपर से यह हाल है तो ईवीएम से सोचिए कि कितनी दुर्गति होती होगी। यह लोकतंत्र कराहेगा नहीं तो और क्या करेगा। अभी तो इस मेयर इलेक्शन में जो भी सारे घटनाक्रम हुए उसमें सिर्फ और सिर्फ साजिश की ही बू आई। पहले 18 जनवरी को यह प्रक्रिया करानी थी लेकिन जानबूझकर चुनाव अधिकारी को कहा गया कि आप बीमार हो जाइए, वो बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती हो गए। बाद में 6 फरवरी की तारीख तय की गई, तब तक
विपक्ष के पार्षदों को तोड़ने मरोड़ने के काम भी शुरू किए गए, उसमें ये लोग असफल हो गए। फिर हाईकोर्ट ने तारीखें और घटाकर 30 जनवरी की कि नहीं इतना लंबा नहीं चलेगा, 30 जनवरी को आप चुनाव कराइए। और जब 30 जनवरी की तारीख आई तो इस वीडियो ने, पीठासीन अधिकारी के वायरल हुए वीडियो ने सब साफ कर दिया कि मनसा पहले से स्पष्ट थी कि चुनाव अगर कोई जीतेगा, मेयर किसी का बनेगा तो वो बीजेपी का बनेगा, भले उनके पास वोट कम ही क्यों ना हो, भले ही विरोधियों के, विपक्ष के वोट जो है वो हमें 8-10 इनवैलिड ही क्यों ना करने पड़ जाए। लेकिन ये चुनाव अधिकारी सीधे आरोप अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों पर ही लगा रहे हैं कि इन लोगों ने बैलेट पेपर कैप्चर करने की कोशिश की, इन लोगों ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ख्याल नहीं रखा, अगर मार्शल नहीं आए होते तो ये लोग बहुत कुछ कर देते, तमाम तरीके के सारे आरोप इनके ऊपर ही लगा दिए गए। अब ऐसे में ANI पर इनका इंटरव्यू वीडियो भी चल रहा है, अमर उजाला पर रिपोर्ट भी है, उनके इंटरव्यू का जो पूरा वो अक्षरशः बातें हैं वो लिखी गई है रिपोर्ट में, कुछ पॉइंट्स हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अंसर इमरान ने जो ट्वीट में लिखा है वो भी जरा आप देख लीजिए। अंसर इमरान ने भी लिखा, पहली बात की बीजेपी माइनॉरिटी सेल का व्यक्ति प्रेजाइडिंग ऑफिसर कैसे बन सकता है, दूसरी बात यह कि महोदय यह बताएं कि 8 वोट इनवैलिड कैसे हो गए, वह भी सभी विपक्षी पार्टियों के झूठ और मक्कारी में भाजपाइयों ने PhD कर रखी है। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि भाई क्या हमारे ही पार्टी के लोगों को वोट करना नहीं आता है, सब कुछ सही करना सत्ताधारियों को ही आता है, भाजपाइयों को ही आता है, बाकी सब लोग गलत करते हैं, यह खेल नहीं तो और क्या है। अब इस संबंध में हम आपको दिखाते हैं अमर उजाला पे हमारे पास क्या जानकारी है, क्या रिपोर्ट है। अमर उजाला ने हेडलाइन में क्या लिखा, मेयर चुनाव पहली बार सदन के अंदर खड़े रहे 20 मार्शल, मीडिया रहा बाहर। और थोड़ा सा इंट्रो पढ़ते हैं, मेयर चुनाव में बहुमत के बावजूद हार और अल्पमत के बाद भी भाजपा की जीत पर विपक्ष ने खूब हंगामा किया। आप कांग्रेस गठबंधन ने पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह पर खेल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने खुद 8 मत पत्रों पर पेन से मार्क लगाकर उन्हें अमान्य करार दे दिया। विपक्ष ने यह आरोप भी लगाया कि वोटों की गिनती भी पोलिंग एजेंटों के सामने नहीं की गई और न ही उन्हें मत पत्र दिखाए गए। इधर अमर उजाला से बातचीत में अनिल मसीह ने सभी आरोपों को झूठा करार देते हुए कहा कि उन्होंने नियमों के मुताबिक निष्पक्ष चुनाव कराया है, आप व कांग्रेस के पार्षदों ने बूथ कैप्चरिंग की तरह ही बैलेट पेपर छीनने और फाड़ने की कोशिश की। आपको बता दें कि इस बार का मेयर चुनाव हर बार से अलग था, चुनाव की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिए जा रहे थे। तो कुल मिलाकर खेल तो बहुत बड़ा कर दिया गया। ऐसे में अब सवाल उठने लगे कि ये गड़बड़ी क्यों किए गए, क्यों भाजपा को जिताने के लिए तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया गया। मामला इस बार कोर्ट में पहुंच चुका है, फिर से आज ही सुनवाई की बात भी कही गई है, कोई ना कोई निर्णय तो हाईकोर्ट को लेना ही होगा। ऐसे में अब देखिए कि गठबंधन के जो कई पार्षद हैं उन्होंने अनिल मसीह पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अनिल मसीह के हाथ कांप रहे थे, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बैलेट पेपर की गिनती के दौरान कई बार पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के हाथ कांपते नजर आए, कई बार वह संशय में भी नजर आए। एक बार उन्होंने कुलदीप कुमार टीटा के पक्ष में किए वोट को मनोज सोनकर के खाते में डाल दिया था, जब उन्हें बताया गया तो फिर उन्होंने बैलेट पेपर को कुलदीप कुमार के खाते में डाला। इसके अलावा भी पानी उठाते समय, साइन करते हुए, वोटों की गिनती के दौरान उनके हाथ कांपते हुए नजर आए। कांग्रेस के पार्षद गुरप्रीत गाबी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति गलत कर रहा होता है उसके हाथ कांपते हैं, अनिल मसीह को पता था कि वो गलत कर रहे हैं इसलिए उनके हाथ कांपते रहे। तो खेल तो भाई हो गया, बहुत बड़ा खेल हो गया। अब यहां पर देखिए, अमर उजाला के पत्रकार ने अनिल मसीह से पूछा कि किस कारण से विपक्ष के 8 वोट अमान्य करार दिए गए, तो इन्होंने जवाब क्या दिया, नियमों के अनुसार किसी भी बैलेट पेपर पर कोई मार्क नहीं होना चाहिए, मतों की गणना में पाया गया कि 8 बैलेट पेपर कुछ मार्क थे, इसके बाद ही उन्हें अमान्य करार दिया गया। वो वीडियो में देखता है कि वो कलम से पॉइंट आउट कर रहे हैं, मार्क लगाते हुए दिखाई पड़ता है, और इससे पता चल रहा है कि खेल कितना बड़ा है। यहां पर देखिए, उनसे पूछा भी गया, आरोप है कि आपने हस्ताक्षर करते हुए कुछ बैलेट पेपर पर निशान लगाए, इन्होंने कहा कि आरोप सरासर झूठा है, मैं तो नियमों के अनुसार ही बैलेट पेपरों पर हस्ताक्षर कर रहा था, अगर किसी पार्षद को आपत्ति थी तो वह आते और चेक करते, लेकिन वह लोग तो हंगामा करने में लगे थे, वीडियो में दिख रहा है कि आप कांग्रेस ने चुनाव को डिरेल करने की साजिश रची।
अब यहां से देखिए कि किस तरीके का खेल है। आरोप उल्टा पहुंच गया है विपक्ष पर, तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? पूरा खेल तो खुल गया है। पीठासीन अधिकारी पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे या हाईकोर्ट कार्रवाई करे, कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।